नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। नंदप्रयाग घाट 19 किलोमीटर मोटर मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर शुरू हुए आंदोलन में 49 दिन आज आंदोलन को समर्थन देने भारी संख्या में क्षेत्रीय जनता घाट पहुंची। इस दौरान आंदोलनकारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मोटर मार्ग की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों का यह भी कहना है कि क्षेत्रीय जनता की मांग पर प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा चुनाव के दौरान नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग को 1.5 लाइन चौड़ीकरण किए जाने को लेकर घोषणा की गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी आज तक मोटर मार्ग चौड़ीकरण का कार्य शुरू नहीं हो पाया, जिससे ग्रामीणों को आंदोलन शुरू करना पड़ा। चमोली से उदित नैनवाल शास्त्री की रिपोर्ट। धन्यवाद। हमारे जितने भी वॉलेंटियर साथी हैं, जो तख्तियां जिनके पास हैं उनको एकत्रित कर रहे हैं, क्योंकि लड़ाई बहुत लंबी है और इस लड़ाई को लड़ने में ये तख्तियां, जो ये तख्तियां आप लोगों के पास हैं, इन तख्तियों को एकत्रित कर रहे हैं। सभी से मेरा आग्रह है कि अपने वॉलेंटियर से मेरा निवेदन है कि आप जो ये तख्तियां हैं इन तख्तियों को एकत्रित कर लें। सभी वॉलंटियर से मेरा निवेदन है कि जो तख्तियां हैं सामने जो मातृशक्ति बैठी है, सबसे पहले तो आप जिस संख्या में इस आंदोलन में आए हैं, सबसे पहले मैं आपको सलाम कर रहा हूं, झुक करके प्रणाम कर रहा हूं। और आज के जो ये धरना, यहाँ पर भूख हड़ताल और इस आंदोलन के समर्थन में आप लोग तमाम लोग यहाँ पर जुटे हैं, मेरे समाज सामने तमाम माताएं बैठी हैं, पीछे नौजवान दोस्त बैठे हैं, बुजुर्ग हैं, और इस आंदोलन में जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सबसे ऊपर है इस प्रदेश में, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हुई इस प्रदेश में हर महीने औसतन, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप अखबार देखिए, हर महीने अखबार में कम से कम एक खबर है कि एक गर्भवती महिला, एक गर्भवती लड़की की प्रसव के दौरान मौत हो रही है। पिछले एक साल से लगभग औसतन हर महीने, क्या वो जो हर महीने एक एक मर रहे हैं, एक से ज्यादा मौतें हो रही हैं, उनमें से किसी ने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत सबसे ऊपर है? मैं ये सवाल करना चाहता हूँ। तुम एक सड़क चौड़ी नहीं कर सकते हो, नई सड़क नहीं मांग रहे हैं आप, नई सड़क के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं, नई सड़क की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, सड़क बनी हुई है उसको खोद करके चौड़ा करना है। एक राष्ट्रीय राजमार्ग है वो भी वैसा ही हो रहा है, वो भी कोई नई सड़क नहीं बन रही है, लेकिन 12,000 करोड़ रुपया उसके लिए डकारा जा रहा है, जेबों में भरा जा रहा है, सड़क से मलबा खोद करके नदी में फेंक रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, उस पर 12,000 करोड़ रुपए का वारा हो रहा है। तो आपकी सड़क पर तो 12,000 करोड़ रुपया नहीं लगना है, तो 12,000 करोड़ रुपया चूंकि नहीं लगना है, आज के दिन पर सरकार का मतलब क्या हो गया? आज के दिन पर राजनीति किसकी है? आज के दिन पर राजनीति जनता की नहीं है, जनता के पक्षधर लोगों की नहीं है, राजनीति नेता कौन है? ठेकेदार, कार्यकर्ता कौन है? ठेकेदार। तो वो देखते हैं, आपके यहाँ अस्पताल बन गया, अस्पताल की बिल्डिंग है, लेकिन काम चलाने के लिए दो डॉक्टर है,
क्योंकि डॉक्टर से ठेका नहीं मिलता, डॉक्टर नियुक्त करने में पैसा नहीं मिलता, बिल्डिंग बनाने में पैसा मिलता है, इसलिए बिल्डिंग बन गई, उपकरणों की खरीद हो गई है, उसमें पैसा है, उसमें जम करके पैसा आता है, इसलिए ये हुआ। और आप लोग जिस बात के लिए लड़ रहे हैं, आपके यहाँ तमाम तीर्थ स्थल हैं, पर्यटक स्थल हैं, उन तमाम पर्यटक स्थलों तक लोग आए, उसकी बेहतरी हो, इस बात के लिए आप आंदोलन कर रहे हैं, और जवाब में क्या हो रहा है? तो ये भारतीय जनता पार्टी के जमाने में एक अद्भुत किस्म का मामला हो गया कि भाई सड़क पर अगर केंद्र की सरकार के खिलाफ किसान लड़ रहा है तो वो कह रहे हैं ये किसान नहीं है, ये खालिस्तानी है, माओवादी है, पाकिस्तानी है, चीन ने प्रायोजित है, ये सब कुछ है, लेकिन ये किसान नहीं। और आप जो सड़क के लिए लड़ रहे हैं तो आप जनता नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के राज में अद्भुत तरह का खेल हो गया। ये जो इस तरह की परिपाटी चली है तो लोगों को जो सरकार के खिलाफ बोले अध्यक्ष जी, आज आंदोलन उग्र हो चुका है, काफी दिन आंदोलन को हो गए, लेकिन सरकार आपकी मांगे नहीं मान रही है, कि किस तरीके से आप लोग अपनी बात को आगे पहुंचाना चाहेंगे और क्या कुछ कारण? देखो, सबसे बड़ी बात यह कि ये घाट ननप्या घाट मोटर मार्ग 1962 में कट गया था, उस टाइम ये रोड 6 मीटर चौड़ी थी, और लेकिन उस जमाने के हिसाब से ये रोड बिल्कुल सही थी, इसलिए सही थी कि उस टाइम पे यहाँ पे एक दो गाड़ियाँ चलती थी। आज अधिक ट्रैफिक होने के कारण, जनसंख्या बढ़ने के कारण इस रोड पे सैकड़ों गाड़ियाँ चलती है, और जो कि क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी है। इस रोड पे कई बार घटना हुई है, कई एक्सीडेंट हुए हैं, कई लोगों की मौत हुई है। तो आज का हमारा ये कहना है, आंदोलनकारी का कहना है, जिस प्रकार ये आंदोलन चल रहा है, कि जब तक हमारी रोड डेड लाइन 9 मीटर नहीं हो जाती तब तक ये हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और इसमें सरकार ने हमारे साथ अनदेखी करी, तो ये आंदोलन धीरे धीरे उग्र होता रहेगा। व्यापार संघ अध्यक्ष चरण सिंह नेगी, और जो ये आंदोलन चल रहा है हमारा, आज इस आंदोलन का 49वां दिन है, और जो हंगर स्ट्राइक भूख हड़ताल है हमारी, इसका 13वां दिन है। ये आंदोलन विगत 5 दिसंबर से शुरू हुआ था, और ये आंदोलन शुरू होने का एक ही कारण है कि जो माननीय दो मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे घोषणा की थी, पहले जब मुख्यमंत्री जी जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस टाइम पे घोषणा हुई थी इसको सुधारीकरण और चौड़ीकरण करने की बात, लेकिन 2017 में सत्ता परिवर्तन होने के बाद इसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत जी यहाँ पे एक जनसभा में रैली हुई थी और उसमें आए थे, उन्होंने इस सड़क को उस टाइम के वर्तमान जो विधायक थे मंगनलाल शाह जी, उनके कहने पर, उनके अनुरोध पर ये सड़क का डेड लाइन चौड़ीकरण की बात की थी। और डेड लाइन चौड़ीकरण में आपको स्पष्ट कर दूँ कि डेड लाइन चौड़ीकरण मतलब 9 मीटर चौड़ी की इसमें बात हुई थी, लेकिन 4 साल गुजरने के बाद भी प्रदेश सरकार इसमें कोई काम नहीं किया प्रदेश सरकार ने, और जो कि जब इस पर काम करने की बात हुई तो इस विभाग के द्वारा अपनी अफसरशाही दिखाकर इस पे लिपापोती का काम किया गया, जो कि हमें सरासर मंजूर नहीं। हम ये चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री की जो घोषणा है नंदप्याग घाट मोटर मार्ग डेड लाइन, तो हम उसको लेके ये बैठे हुए हैं, और इसके लिए आज हमारे आंदोलन के 45 दिन हो गए हैं, और अगर प्रदेश सरकार अभी भी नहीं जागी तो जिस तरह से ये आंदोलन अभी शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है, अगर प्रदेश सरकार इसमें भी नहीं मानती है तो इस आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। इसमें उग्र करने में सबसे पहले जिला घेराव, उसके बाद विधानसभा घेराव की भी हमारी योजना बन रही है। देना है किस तरीके से क्षेत्रीय लोगों की मांग को देखते हैं, क्या ये मांग जायज है, क्या लगता है? ठीक है, 50 दिन से ज्यादा घाट में सड़क के चौड़ीकरण को लेकर के आंदोलन चल रहा है, उसको हो गए, और 2 मुख्यमंत्रियों ने घोषणा की थी, एक सरकार चली गई, दूसरी सरकार का कार्यकाल पूरा होने को, तो ये अपने आप में सरकारों की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह है कि उनके मुख्यमंत्रियों की घोषणा यदि पूरी नहीं होती है, मुख्यमंत्री कह करके जाएं कि सड़क चौड़ी होगी, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत तो घाट में लोगों से वोट मांगते हुए कह गए कि मुख्यमंत्री को वो वोट दे रहे हैं, विधायक को नहीं दे रहे हैं, और उसके बाद यदि सड़क चौड़ी होना जैसा मामूली काम नहीं होता है, उसके लिए लोगों को सड़क पर उतरना पड़ता है, तो ये सरकारों के नाकारेपन की, उनके निकम्मेपन का प्रतीक है, ये साफ खुला उदाहरण है, इस बात को मैं कहना चाहता हूँ।
और ये जनता की वाजिब मांग है कि सड़क को चौड़ा होना चाहिए, सड़क को ठीक होना चाहिए, दुरुस्त होना चाहिए। और इतना और मैं जो इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से जिस तरह से ये कोशिश हो रही है कि आंदोलनकारियों को धमकाया जाए, वो निंदनीय है। सड़क, बिजली, पानी जैसे मूलभूत सवालों के लिए आंदोलन करने का अधिकार, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार भारत का संविधान लोगों को देता है। कोई ज़िले का एसपी, कोई डीएम, कोई अधिकारी भारत के संविधान के ऊपर नहीं है, इसलिए आंदोलनकारियों को धमकाने की कोई कोशिश स्वीकार्य नहीं है, वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी।